हमीरपुर में राष्ट्र स्तरीय सुजानपुर होली मेले का आज से हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुरू किया चार दिवसीय मेला। दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हिमाचल। सुक्खू ने नहीं की मीडिया से कोई बात, बिना मीडिया से मिले ही कल दिल्ली से हिमाचल के लिए निकले थे सुक्खू। सोलन में हुआ राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर ने की शिरकत, सहकारिता मंत्री राजीव सैजल भी रहे मौजूद। सिरमौर के जिला मुख्यालय में नाहन में हुई बीजेपी मंडल की बैठक। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नाहन की कई समस्याओं पर चर्चा हुई। शिमला नगर निगम के अगले वित्त वर्ष का बजट हुआ पेश। बजट पेश करते समय बीजेपी के ही पार्षदों को सहना पड़ा विरोध। बीजेपी कांग्रेस के पार्षद के हंगामों के बीच ही महापौर ने बजट किया पेश। वीआईपी लोगों ने सोलन में सरेआम तोड़े यातायात के नियम। सीएम के काफिले में बगैर सीट बेल्ट के दौड़ती रही गाड़ियां। खुद पुलिस के अधिकारी होते दिखे नतमस्तक। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के गिरते स्तर पर शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को मन से छात्रों को पढ़ाने की दी नसीहत। कहा, ईमानदारी से पढ़ाओ तभी होगा बेहतर राष्ट्र का निर्माण। पानी की समस्या से जूझ रहे पांवटा साहिब के डोबरी सालियाला पंचायत के लोग, पानी लीकेज की वजह से नहीं पहुंच रहा नलकों में पानी, प्रशासन ने दी जानकारी। पानी की समस्या से जूझ रहे पांवटा साहिब के डोबरी सालवाला पंचायत के लोग, पानी लीकेज की वजह से नहीं पहुंच रहा नलकों में पानी, प्रशासन ने जानकारी होने से किया इनकार। देवभूमि में नहीं थम रहे दुष्कर्म के मामले। अब देहरा में 25 वर्षीय मामा ने किया 3.5 साल की भांजी के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। और कांगड़ा के फतेहपुर में वन काटुओं ने वन विभाग की टीम पर किया हमला। अवैध रूप से वनों की कर रहे थे कटाई। विभाग ने दो वन काटुओं को किया काबू।